हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। एंड इन टुडेस क्लास, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आया हूँ डिफरेंट साउंड्स ह्यूमन बीइंग्स के। ह्यूमन बीइंग्स के चलने से लेकर उठना बैठना जो भी है, बोलना है, बोलने के भी कई तरीके होते हैं, वो सारे वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उन सारी एक्टिविटीज़ की जो साउंड होती है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करता हूँ आपके पैरों से। पैरों को जो घसीटने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं शफल। आपके जो हार्ट के धड़कने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बीट। बैबल, बैबल एक वर्ड होता है जिसमें बकबक करना होता है, मतलब अस्पष्ट जब आप बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बैबल। नेक्स्ट वर्ड बॉल, BAWL, इसका मतलब है टू क्राई और शाउट लाउडली, चीखना चिल्लाना जो होता है उसको बोलते हैं बॉल। नेक्स्ट वर्ड ब्लट, BLURT, इसका मतलब है कोई चीज़ अचानक से बोल देना बिना कुछ सोचे हुए। नेक्स्ट वर्ड चैटर, चैटर मीन्स तो सिंपली होता है बकवास करना। नेक्स्ट वर्ड चिटर है, वो भी इसी की मीनिंग है, टू मेक अ चैटरिंग साउंड और यू कैन से बकवास करना। नेक्स्ट चकल, चकल मीन्स टू लाफ क्वाइटली, मुंह दबाकर हंसने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं चकल। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, मतलब जब आप सरप्राइज होते हैं तो आप अचानक से जो आपके मुँह से निकलता है तेजी से निकलता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेम। मर्मर, मर्मर का मतलब होता है टू से समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस, यानी बड़बड़ाना इसको भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मटर, टू से समथिंग इन अ लो क्वाइट एंड ऑफन एंग्री वॉइस, मतलब कि मर्मर से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो मर्मर में एंगर कहीं नहीं था, यहाँ पर एंगर भी आ गया है। तो जहाँ पर क्वाइटली और लो यानी धीमी और एंग्री वॉइस हो उसको बोलते हैं मटर। हिंदी में इसको भी आप बोल सकते हैं गुदगुदाना। ओके, नेक्स्ट स्क्रीच, टू मेक एन अनप्लेजेंट लाउड एंड हाई साउंड, कर्कश ध्वनि जो निकाली जाती है उसको बोलते हैं स्क्रीच। शाउट, शाउट का मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, तेजी से बोलना या चिल्लाना जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज विस्पर, विस्पर का मतलब होता है किसी के कान में इतने धीरे से बोलना कि अगल बगल जो लोग बैठे हैं वो सुन भी ना पाए। हिंदी में इसको बोलते हैं फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड जो है, थ्री वर्ड्स है, वो एंगर के लिए हैं। एंगर में जब आप होते हैं तो थ्री वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप, HOWL howl, GROWL growl एंड SCREAM scream। ओके, जब आप दर्द में होते हैं तो दो वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, groan एंड moan, दोनों का मतलब वही होता है कराहना। इसके लिए दो वर्ड और है, फर्स्ट वन इज mumble, mumble का मतलब टू स्पीक क्वाइटली विदाउट ओपनिंग योर माउथ, मतलब बिना मुँह खोले मुँह ही मुँह में आप जो बोलते हैं बुदबुदाते हैं उसको बोलते हैं मम्बल। नेक्स्ट वर्ड इज वाइन, वाइन का मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन annoying क्राइंग वॉइस, मतलब कि रोने जैसी जो आवाज़ होती है उसमें आप कोई कंप्लेन करते तो उसको बोलते हैं वाइन। ये मोस्टली बच्चों के लिए यूज होता है व्हेन दे गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्नो, SNORE, इसकी हिंदी होती है खर्राटे लेना। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ह्यूमन बींग्स रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज़ के साउंड जो जनरली पब्लिक प्लेस पर ऑकवर्ड कंसिडर किए जाते, जैसे कि उबासी लेना या छींकना इस तरीके से, या खांसना, जो कुछ भी होता है, मैं इन सारे वर्ड्स को आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।